हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास विथ उपेंद्र कुमार सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम भागवत विद्यापीठ छपरा। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नंबर सिस्टम फॉर क्लास 9। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ा था, जिसमें गिवेन रेशनल नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए, तो इसमें दो केस हम लोग पढ़े थे, एक टर्मिनेटिंग पढ़े थे और दूसरा रिपीटिंग पढ़े थे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? जब हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और वो पूरा पूरा कट जाता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जब पूरा पूरा नहीं कटे, एक डिजिट और एक सेट ऑफ डिजिट जो है रिपीट करना शुरू करे तो उसको रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो उसी के रेस्पेक्ट में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जब 300,000 हो तो डेसिमल में एक्सप्रेस करना बहुत इजी है आपके लिए, और जब उस फॉर्म में नहीं हो, जैसे यहाँ पर 1/11 है, तो डिवाइड कर कर ऑब्ज़र्व करेंगे और ऑब्ज़र्व करके बताएंगे कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और 1425 2857 पर देख रहे हैं रेकरिंग है। तो आगे कह रहा है, कैन यू प्रेडिकेट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। देखते हैं। तो यहाँ पर 1/7 का वैल्यू जो दिया हुआ है, हम लोग को 2/7 का वैल्यू निकालना है। तो गिवेन वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 0.142857, और देख रहे हैं कि 1425 7 पर एक रहेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.285714 होगा और उसके ऊपर एक रिंग होगा। वैसे ही जब 3 से मल्टीप्लाई करना, 3/7 है तो 1/7 के वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू को फाइंड करेंगे। ऐसे ही आप 4/7, 5/7 और 6/7 के वैल्यू को निकालने के लिए 1/7 के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 5 से, 6 से। इसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सम क्वेश्चंस दिया हुआ है जो कि रेकरिंग फॉर्म में दिया हुआ है, और इसको हम लोगों को रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 0.6 पर एक रिंग है, तो यहाँ सपोज करेंगे इसको एक्स इज इक्वल टू 0.666 डॉटेड लाइन से इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्योंकि 6 पर एक रिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 रिपीट कर रहा है। अब यहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे कि कितने डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सिंगल डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रहा है, 6 के बाद फिर 6 है, फिर 6 है, यानी कि सिंगल डिजिट के बाद जो रिपीटेशन हो रहा है। तो डेसिमल को वन प्लेस लेफ्ट टू राइट ले जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो बाय इक्वेशन 1 × 10, यानी कि इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10x इज इक्वल टू 6.666 होगा, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब हम लोग इक्वेशन 1 के डेसिमल पोर्शन को और इक्वेशन 2 के डेसिमल पोर्शंस को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद देखते हैं इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं, तो 10x इक्वल टू 6.666, उसके नीचे x इज इक्वल टू 0.666। अब यहाँ हम देखेंगे जो 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0 डेसिमल, और फिर 6 में से 0 गया तो 6, यानी कि 6.000 होता है, तो 0.00 को हम नहीं लिखेंगे। इस तरह से
टेन एक्स में से एक्स को घटाएंगे तो नाइन एक्स होगा, तो नाइन एक्स इज इक्वल टू सिक्स, नाइन को ट्रांसफर करेंगे तो सिक्स बाई नाइन, बोथ नंबर जो है डिविजिबल है थ्री से, तो टू बाई थ्री इसका आंसर होगा। तो इसी तरह से आप बेटा क्वेश्चन नंबर इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसको आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, क्या आप सरप्राइज हो रहे हैं? तो जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर थ्री को अभी ऑब्जर्व किए हैं वैसे ही क्वेश्चन नंबर फोर को बनाएंगे और आप देखें कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि 1 को 17 से डिवाइड कीजिएगा और देखिएगा कि कितने डिजिट के बाद यह रिपीटेशन शुरू हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू, ब्रैकेट में दे रहा है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पढ़ा था कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर यदि टू और फाइव और बोथ होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज रिपीटिंग होगा। उसी केस को यहाँ पर आपको इंडिकेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, राइट थ्री। तो आप थ्री एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसा कि हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ रहे थे तो हमने भी एग्जाम्पल दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट है, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/7। आइए देखते हैं। सबसे पहले 5/7 को डेसिमल फॉर्म में लेंगे और 9/11 को भी डेसिमल फॉर्म में लेंगे। तो 5/7 का डेसिमल फॉर्म जो है 0.714285 इस तरह से हो रहा है और 9/11 का 8181। हम लोगों को थ्री इरेशनल नंबर्स इसके बीच में लेना है तो हम लोग लिख सकते हैं 0.72772 7772 7772। नेक्स्ट नंबर लिख सकते हैं 0.73773 7773। नेक्स्ट लिख सकते हैं 0.74774 7774। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि टू गिवन नंबर्स के बीच में जैसे अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं वैसे ही हम लोग टू गिवन नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब जो है इसका लास्ट क्वेश्चन जो है एट नंबर, वो कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो दिए गए नंबर को ऑब्जर्व करिए और बताइए कि ये रेशनल है या इरेशनल है। जैसे √23, आप जानते हो कि 23 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 23 √23 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है √225, आप जानते हो कि 225 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 15 का स्क्वायर नंबर है, जिसका स्क्वायर रूट 15 होगा। तो 15 को हम लोग 15/1 लिख सकते हैं, इस तरह से यह रेशनल नंबर होगा। तो आप एक्सरसाइज नंबर इस प्रकार से 1.3 को कंप्लीट करेंगे। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।